नमस्कार दोस्तों, मैं रहीम मजेस्टिक होम से, मजेस्टिक होम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं गाइस। तो आज जो मैं फ्लैट लेकर आया हूं, ये 3 BHK का फ्लैट रहेगा विद लिफ्ट कार पार्किंग के साथ 80 स्क्वायर यार्ड में। ये आपके लिए आज मैं फ्लैट लेकर आया हूं गाइस। और लोकेशन की अगर बात करूँ तो नियर बाय द्वारका मोड़ की ये लोकेशन रहेगी गाइस, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन मानी जाती है। नियर बाय आपका मेट्रो स्टेशन रहने वाला है, द्वारका मोड़ और नवादा मेट्रो स्टेशन दोनों ही आपके करीब पड़ते हैं। और फैसिलिटीज की अगर बात करो तो बिल्डिंग में लिफ्ट है, कार पार्किंग है गाइस, और दिल्ली जल बोर्ड का पानी मिलता है आपको, BSS मीटर भी इंस्टॉल है, और IGL की गैस पाइपलाइन भी बिल्डिंग में आ चुकी है गाइस। फ्लैट बिल्कुल रेडी टू मूव है गाइस। वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि फ्लैट कितना ब्यूटीफुल था। आप फ्रंट साइड में रोड देखना, 35 फीट की आपको वाइड रोड मिलती है फ्रंट साइड में। आपके गेस्ट कोई भी आते हैं, आपकी कोई भी गाड़ी है, छोटी है बड़ी है, इजिली आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पार्किंग काफी अच्छी स्पेशियस मिलने वाली है गाइस, तो बहुत ही अच्छा ये फ्लैट है। और प्राइस की अगर बात करूँ तो गाइस अंडर 40 के बजट में ये आपका फ्लैट रहने वाला है। फ्रंट साइड 3 BHK विद लिफ्ट कार पार्किंग के साथ मजेस्टिक होम इस बार आपके लिए बहुत ही अच्छा स्पेशल ऑफर लेकर आई है नवरात्र में, और स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट भी इसमें आपको मिलने वाले हैं गाइस, तो वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं फ्लैट का ओवरव्यू। स्टार्ट करते हैं फ्लैट की वीडियो। तो यहाँ से हम एंटर होते हैं, ये हमारे फ्लैट की एंट्रेंस है जो हमारा रहने वाला है 3 BHK फ्लैट। तो सबसे पहले ये आपको डोर की क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो बोथ साइड आपको वुडन ग्लोसी फिनिश में माइका मिलती है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये आपको हैंडल लॉक दिया जाता है। तो एंटर होते हैं अपने 3 BHK फ्लैट के अंदर। तो गाइस साइज़ की अगर बात करूँ तो सबसे पहले आप साइज़ पर नज़र डालिए, तो काफ़ी अच्छा है इसमें आपको ड्राइंग रूम में साइज़ मिलने वाला है गाइस, जो कि काफ़ी स्पेशियस रहने वाला है। आपका एल टाइप का सोफ़ा इजीली यहाँ पे प्लेस हो जाता है गाइस, एल टाइप का सोफ़ा यहाँ पे आपका इजीली प्लेस हो जाता है। 3 सीटर एंड 2 सीटर उस साइड में आ जाता है, बीच में आपकी आ जाती है सेंटर टेबल। तो गाइस काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस मिलने वाला है। और बात कर लेते हैं वॉलपेपर की, तो 3D लुक में गोल्डन फिनिश में ये आपका वॉलपेपर कवर इसमें दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक देता है इस ड्राइंग रूम को गाइस। और ऊपर भी आपको हैंगिंग लैंप का प्रोविजन मिल जाता है, जो कि ड्राइंग रूम की लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करता है गाइस। ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ ही आपको लैंप मिलता है गाइस, और ये आप मेरे बैक साइड में देखोगे बोथ साइड एल कॉर्नर आपको ये ग्लास वर्क दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक देता है इस ड्राइंग रूम को गाइस। तो काफ़ी अच्छा इसमें इंटीरियर काम आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर अगर बात करूँ फॉल सीलिंग की, तो आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ ये आपको फॉल सीलिंग दी गई है, जिसमें कि येलो लाइट्स एंड स्ट्रिप लाइट्स एंड ये ब्यूटीफुल शैंडलियर कवर इसमें दिया गया है। फैन भी ऑलरेडी गाइस इसमें फिट करा रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको काम मिलने वाला है। तो बात कर लेते हैं LED पैनल की, तो इस साइड में ये आपका LED पैनल रहेगा गाइस, तो काफ़ी ह्यूज साइज का ये आपको LED पैनल मिलता है आपको। और माइका की अगर बात कर लेते हैं गाइस, तो वाइट और ब्राउन शेड में माइका का इसमें यूज़ किया गया, दोनों ही माइका ग्लॉसी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की, तो देखिए पूरा एक ओपन आपको स्पेस मिलता है, कुछ भी आप इसमें अपना सेटअप बॉक्स, अपना रिमोट, मोबाइल और सॉकेट इधर मिल जाता है। बात कर लेते हैं स्टोरेज की, तो ये नीचे आपको काफ़ी अच्छे साइज की ड्रॉअर मिलती है, और 2 आपको ये ओपन कैबिनेट मिलते हैं, जिसमें कि आप अपना सामान कुछ भी ईजिली प्लेस कर सकते हो। और लाइटिंग्स की और ग्लास वर्क की अगर बात करूँ, तो ऊपर ये देखिए आप ग्लास वर्क के साथ ही आपको LED पैनल मिलता है। ऊपर लाइट का भी प्रोविजन गाइस दे रखा है, एक बार इधर नजर मारेंगे तो इस साइड भी देखिए कितना ब्यूटीफुल डिजाइन वर्क इसमें करा रखा है, वुडन एंड ग्लास वर्क की फिनिश के साथ ये कॉम्बिनेशन दिया है, जो कि ड्राइंग रूम की लुक को और ज्यादा एनहांस करता है गाइस। तो उसी के साथ साथ आप बात कर लेते हैं अपने किचन की, तो जो ठीक हमारे ड्राइंग रूम के सामने रहेगी। तो किचन दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये पार्टीशन दिखाऊंगा, जो कि वुडन और ग्लास वर्क से डिजाइन ये पार्टीशन किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे लुक में ये डिज़ाइन किया गया है। इसमें भी वाइट और ब्राउन माइका का यूज़ किया गया है, और अंदर भी आपको ग्लास दिया गया है, जिससे कि इस किचन की लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करता है।
तो अब दिखा देता हूँ आपको अपनी किचन। तो देखिए एल टाइप की आपको स्पेसियस किचन मिलने वाली है गाइस, काफ़ी अच्छी लुक में। और ग्रेनाइट टॉप, काफ़ी ब्यूटीफुल ग्रेनाइट टॉप इसमें दिया गया है। ऊपर माइकाज की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छे साइज़ की माइका मिलती है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रिज स्पेस की। तो इस साइड में आपका फ्रिज स्पेस आता है गाइस, आपका सिंगल डबल डोर ईजिली यहाँ पे फ्रिज आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो एक बार आप यहाँ नज़र डालिए, काफ़ी अच्छा इसमें आपको स्टोरेज का काम दिया गया है। और माइका देखिए। तो गाइस किचन आपको दिखाई दी, अब उसके बाद चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में। तो एंटर होते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो एक बार आप अंदर आ जाइए। साइज की अगर बात करूँ तो 11x11 का साइज रहने वाला है हमारे फर्स्ट बेडरूम का। और वेंटिलेशन की अगर बात करूँ तो वो भी इसमें आपको मिलने वाली है। प्रॉपर टाइल्स इसमें मिलती है आपको 2x4 की, जो कि ग्लोसी फिनिश के साथ मिलती है। एंड बात कर लेते हैं कस्टमाइज वॉलपेपर की। तो काफी अच्छे डिजाइन के साथ इसमें आपको कस्टमाइज वॉलपेपर एंड विद और ऊपर आपको ब्यूटीफुल लैंप दिया जाता है। फॉल सीलिंग ऊपर आप एक बार देखिए, काफी अच्छी डिजाइन की इसमें आपको फॉल सीलिंग मिलती है। और अलमीरा भी इसमें आपको अटैच मिलती है, इस साइड में ये आपकी अलमीरा अटैच मिलती है। तो काफी अच्छे साइज की इसमें आपको अलमीरा मिलने वाली है गाइस। व्हाइट और ब्राउन माइका का इसमें यूज किया गया है। एक बार आप साइज पे नजर डालिए, काफी अच्छा इसमें आपको साइज मिलता है। ऊपर भी देखिए कितना अच्छा स्पेस है, नीचे एंड ड्रॉर्स और ये ओपन कैबिनेट आपको मिल जाते हैं गाइस इसमें। तो गाइस आप दिखाना चाहता हूँ अपना सेकंड बेडरूम। आइए एंटर होते हैं अपने सेकंड बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में। तो काफी अच्छा इसमें आपको साइज मिलने वाला है, 11x13 का इसमें आपको साइज मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइल्स की। तो क्रीमी फिनिश में आपको टाइल्स मिलती है 2x4 की इसमें, विट्री वाइट टाइल्स। सामने ही आपको कस्टमाइज वॉलपेपर मिलता है, काफी अच्छे डिजाइन के साथ ही आपको कस्टमाइज वॉलपेपर का वर्क इसमें मिलता है गाइस। ओवर आपको ये लैंप का प्रोविजन दिया गया है। उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं फॉल सीलिंग की। तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन में, बहुत ही सिंपल डिजाइन में आपको फॉल सीलिंग का वर्क उसमें मिल जाता है। फैन का भी प्रोविजन, लाइट्स, येलो स्ट्रिप लाइट्स सभी इसमें आपको लगी हुई मिलती है गाइस। तो अब बात कर लेते हैं अटैच वॉशरूम की। तो इस साइड में आपका अटैच वॉशरूम रहने वाला है। बात कर लें टाइलिंग की, तो पूरी लेंटर तक इसमें आपको टाइल्स मिलती है। पॉट इसमें ऑलरेडी फिट है, शाफ्ट अटैच है, वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गीजर फिटिंग, शावर, डाइवर्टर ऑलरेडी सब इसमें फिट है। तो गाइस अटैच वॉशरूम भी काफी अच्छा रहने वाला है गाइस। तो अब बात कर लेते हैं अपनी बालकनी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं बालकनी एरिया। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ ये आपका विंडो एरिया, जिसमें कि आपका विंडो एसी यहाँ पे इजीली प्लेस हो जाएगा गाइस। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पे ग्रिल वर्क इसमें प्रॉपर हमने दे रखा है कि आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड हो सके इस फ्लैट के अंदर। तो यहाँ से एंटर होते हैं अपने बालकनी एरिया में। तो काफी अच्छी इसमें आपको बालकनी मिलती है गाइस, आप एक बार नजर डालिए, पूरी लेंटर तक इसमें टाइल्स मिलती है। और वॉशिंग एरिया भी आपको दे रखा है, टैप का भी प्रोविजन वहाँ पे मिल जाता है, आप इजीली अपने कपड़े वॉश कर सकते हो यहाँ पे। और फ्रंट साइड में आप रोड देखोगे तो काफी अच्छी इसमें आपको वाइड रोड मिलती है फ्रंट साइड पे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की। तो आइए चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। तो इस साइड में ये आपका इस तरीके का एक साइज रहेगा आपके कॉमन वॉशरूम का। वॉल हैंगिंग सीट मिलती है, सिस्टम ऑलरेडी दे रखा है गाइस। और गीजर फिटिंग की बात करूँ तो वो भी ऑलरेडी हो रखी है। एंड वॉश बेसिन भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का इसमें आपको वॉश बेसिन दिया जाता है। डाइवर्टर फिटिंग भी ऑलरेडी गाइस दे रखी है। और ऊपर आपको ये मिल जाता है शावर। टाइलिंग की अगर बात करें तो पूरी लेंटर तक ग्रे और वाइट फिनिश में आपको टाइल्स मिलती है गाइस, जो कि काफ़ी अच्छी ग्लोसी फिनिश के साथ इसमें यूज की गई है। तो उसी के साथ साथ एंड करते हैं अपने कॉमन वॉशरूम को। अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। आइए यहाँ से एंटर होते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम के अंदर। एक बार आप साइज पे नजर डालिए तो 11x11 का ये भी साइज रहेगा हमारे थर्ड बेडरूम का गाइस। और उससे पहले मैं आपको नजर लगाना चाहता हूँ ऊपर की तरफ, आप देखोगे तो काफी अच्छे डिजाइन में सर्कल और स्क्वायर शेप में फॉल सीलिंग का डिजाइन आपको मिलता है। एंड उसमें ब्लू लाइट्स और स्ट्रिप लाइट्स का भी प्रोविजन मिल जाता है। आप बात कर लेते हैं हमारी मेन वॉल की, इसमें आपको देखिए कितना ब्यूटीफुल डिजाइन में ये आपको वॉलपेपर का वर्क दिया गया है। स्विच बोर्ड का भी पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है। लैंप की अगर बात करूँ तो लैंप का भी प्रोविजन काफी अच्छे डिजाइन का इसमें आपको लैंप का प्रोविजन दिया गया गाइस। और अब बात कर लेते हैं वेंटिलेशन की। तो इस साइड में देखिए गाइस, ये आपको विंडो मिलती है काफी अच्छे साइज की, एसी आपका यहाँ विंडो आराम से प्लेस हो जाएगा। विंडो का प्रोविजन इस साइड में है ये देखिए। और सेफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे ये ग्रिल दे रखी है गाइस।
बात कर लेते हैं अलमीरा की, तो इस साइड में आपको अलमीरा मिलने वाली है और काफी अच्छे साइज की अलमीरा मिलती है। माइका की अगर बात करूँ तो भाई इस वाइट और गोल्डन फिनिश के काम के साथ ही आपको अलमीरा का वर्क इसमें दिया जाता है। स्पेस की अगर बात करूँ तो काफी अच्छा इसमें आपको स्पेस मिलता है। तो गाइस वीडियो आपने पूरी देखी, अब बात कर लेते हैं इसकी फैसिलिटीज की। तो गाइस आपने देखा 80 स्क्वायर यार्ड का फ्रंट साइड पे आपका फ्लैट था गाइस, तो 3 BHK विद लिफ्ट कार पार्किंग इसमें आपको मिल जाता है गाइस, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस के साथ ही आपको फ्लैट इस बारी में लेकर आया हूँ मजेस्टिक होम की तरफ से। और बात करें लोन की तो मैक्सिमम लोन है, बुकिंग अमाउंट ओनली 21,000 से लेकर 51,000 रुपीज तक का बुकिंग अमाउंट है इस फ्लैट के अंदर। बाकी का जो रेस्ट रह जाएगा वो आपका आफ्टर जब आपका लोन हो जाएगा उसके बाद आप पे कर सकते हो अपनी रजिस्ट्री से पहले। और लोकेशन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, नियर बाय द्वारका मोड़ और नवादा मेट्रो स्टेशन के बीच की लोकेलिटी रहने वाली है। मेन रोड आपको हार्डली 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे मेन रोड रहने वाला है, मेन नजफगढ़ रोड। और फैसिलिटी सारी इसमें आ चुकी है, गैस पाइपलाइन, जल बोर्ड कनेक्शन, गैसेस कनेक्शन वो भी इंस्टॉल है, रेडी टू मूव हमारा ये फ्लैट है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए हो तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकती हो। हमारे ऑफिस का एड्रेस है A53 रामापरक, नियर बाय द्वारका मोड, मजेस्टिक होम पे आप कभी भी आ सकते हो। 7 डेज हमारा ऑफिस ओपन है गाइस, तो आप स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट बुक कराकर डायरेक्टली कभी भी आप हमारे ऑफिस आ सकते हो। तो इसी के साथ साथ एंड करता हूँ अपनी वीडियो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।